तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश सनातन देश फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम नाग पत्नियों की प्रार्थना भगवान श्री गोपाल को 16वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। आज 52 श्लोक का पाठ करेंगे। विदेही ते किं क्रीणाम् अनुष्ठेयम् तवाञ्जया यशधयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। नागपत्नी कहते हैं विदेही मतलब हमको आदेश दीजिए, ते इसका मतलब हे भगवान आप हमें आदेश दीजिए। आदेश उसको दिया जाता है जो सेवक होते हैं। बोला किंकरी नाम, हम आपकी सेविकाएं हैं। किंकरी शब्द का अर्थ है किम करोमी, हाथ जोड़ के खड़ा हो, हाथ सब नीचे करके पूछे मैं आपके लिए क्या करूं, उसको कहते हैं किंकर। और किंकरी नाम का मतलब हम आपकी सेविकाएं हैं, दासियां हैं। ऐसे गोपियां भी गोपी गीत में अपने आप को कहते तव निःशुल्क दासियां किंकरी, वहां अपने आप को कहती हैं। ये शरणागति का सूचक है। अनुतिष्ठेयम् तव अंजया ये श्रद्धया अनुतिष्ठम वही। अनुतिष्ठेयम् तव अंजया इसका अर्थ है आप बताइए, अंजया आज्ञा कीजिए, आज्ञा आप आज्ञा कीजिए, आज्ञाय आप आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, वो गुजराती कहते हैं आज्ञा कीजिए, ये आज्ञा कीजिए, क्योंकि हमने सुना है वही, ये तो प्रसिद्ध है जो श्रद्धा पूर्वक आपके आदेश का पालन करेगा मुच्यते सर्व भया, तो सब भय से मुक्त हो जाएगा। तो कृपा करके हम सेवकाओं को आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन करेंगे। ये तो प्रसिद्ध है जो आपकी आज्ञा का श्रद्धा से पालन करता है वो सारे भय से मुक्त हो जाता है, उसको फिर कोई भय नहीं रहता। तो अब कृपा करके हम आपकी दासियां हैं, हम क्या करें आप हमें आदेश दीजिए। और हमने सुना है जो श्रद्धा पूर्वक आपके आज्ञा का पालन करता है वो अपने आप निश्चिंत ही स्वतः सब पाप से मुक्त हो जाता है। ये है कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियों का पूर्ण शरणागति। इस श्लोक में उनकी शरणागति पूरी हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा उनके ऊपर करेंगे जो आने वाले श्लोकों में कही जाएगी, और आदेश भी देंगे जो ये कह रही हैं। यहां से पढ़ना था, ऐसे आगे था, एक आगे था, मैं समझता हूं एक आगे होना चाहिए। ये तो हो गया था, नहीं 52 से ही होना चाहिए, 52 से ही, 52 से होना चाहिए। ये है,
मैं हमने 53 शायद पढ़ा, 52 से पढ़ना है। अनो ग्रहणीश्वः भगवन् प्राणान् सत्यजति पंगः स्त्रीणां न साधु शोचानां पतिः प्राण प्रदीयताम्। यहां से हमको पढ़ना शुरू करना है। हम एक श्लोक आगे पहले पढ़ गए, बाद में आएगा वो दोबारा। अनुग्रहणीय ईश, हे स्वामी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान, प्राणांश त्यज पनग, पनक कहते हैं सांप को, ये कालिया, अब प्राण इसके निकलने वाले हैं। अभी तक भगवान कालिये के फनों के ऊपर था थई कर रहे थे और नाग पत्नियों की प्रार्थना भी सुन रहे थे, तो कहती हैं अभी इनके प्राण निकल जाएंगे इस सर्प के, कालिया के पंग के, इसको छोड़ दीजिए। फिर कहते हैं स्त्री नाम न साधु सोचा नाम, साधु पुरुष आप जैसे भले, वो स्त्रियों के दुख को देख नहीं सकते, आप स्त्रियों के ऊपर कृपा करते ही हैं। हमारा पति, पति ही प्राण, हमारा प्राण नाथ परिदियताम प्रदियताम, हमको वापस दे दीजिए, इसको अब मारिए मत। तो इस श्लोक का भाव क्या हुआ? हे भगवान दया कीजिए, कृपा कीजिए, साधु पुरुष स्त्री के ऊपर सदा दया करते हैं, हम स्त्रियां हैं, आप तो साधु के पति हैं, आप हमारे ऊपर दया कीजिए। ये कालिया अपने प्राण त्यागने वाला है, कृपा करके हमारे पति को, हमारे को वापस दे दीजिए, यही हमारा प्राण है। तो ये है उनकी सारी प्रार्थनाओं के पीछे भगवान को निवेदन। इतनी सारी महिमा गाई, पहले दंड देने की प्रशंसा की, फिर कालिये के सौभाग्य का वर्णन किया, भगवान के चरणों की रज मिलने का वर्णन किया, परंतु अब अपनी बात कह रही है कि इसको आप मुक्त कर दीजिए। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं हमने इसके रोग को पहचान लिया और इसकी चिकित्सा भी कर रहे हैं, अब ये प्रायः ठीक हो गया है, थोड़ा सा दोष रह गया है, बस 5-7 और इसके सर के ऊपर हमको थाथई करने दीजिए, नृत्य के पांव लगाने दीजिए, और फिर जैसे आप कहेंगे आप इतना मेरे को करने दीजिए ताकि ये बिल्कुल रोग से मुक्त हो जाए। तो उसके ऊपर ये नाग पत्नियां कहते हैं आपकी ये चिकित्सा जो है ना, दंड के रूप में है, ये बहुत भारी है, और अति कृपा कर रहे हैं आप इसके ऊपर, इनके दोषों को दूर कर रहे हैं, परंतु अब ये मर जाएगा, क्योंकि अब तो ये प्राण त्यागने की स्थिति पे आ ही गया है। भगवान कहते हैं क्या हुआ, ये शरीर सांप का छोड़ेगा तो वैसे भी अच्छा शरीर है नहीं, जाने दीजिए, आप इस क्या इस सांप के शरीर से क्या करेंगे, इसको पुनः आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, मेरा पार्षद बनेगा, क्योंकि मेरे चरणों का स्पर्श हो गया है तो मुक्त तो हो ही जाएगा। तो नाग पत्नियां कहती हैं हम नव युवती इसकी स्त्रियां अगर विधवा हो गई तो दूसरे सांप हमारा भोग करेंगे, परंतु ये कालिया अब वैष्णव हो गया है,
आपने इसके रोग का निदान कर दिया है, चिकित्सा कर दिया है, अब कृपा करके ये हमारे को वैष्णव पति के रूप में दीजिए। अब हमारा स्नेह इसके प्रति हो रहा है, पहले हमने सोचा था ये द्वेषी मर जाए तो ठीक है, परंतु अब इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान पूछे क्या करूं मैं, जीव गोस्वामी में ऐसा प्रश्न होता है क्या करूं भगवान पूछते हैं, बोला इसको क्षमा कर दियो और ये उचित है कि इसको दया करनी, इसके ऊपर दया करनी चाहिए। बोलो क्यों, ये दयालु भगवान है आप, भगवान तो दया की मूर्ति होता है, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप आपकी दया के स्वरूप को भी जानते हैं, आपकी शक्ति को भी जानते हैं, आपकी माया की शक्ति को भी जानते हैं और हम जीवों के कष्टों को भी जानते हैं, ये सब आपको पता है, ये जल्दी कीजिए नहीं तो इसके प्राण निकल जाएंगे, इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान आप अपने वचन को याद कीजिए, नाग पत्नियां कहती हैं अनम ही प्राणी नाम प्राण आर्ता नाम शरणम तो हम, भगवान ने ये भागवत में कहा है कि अन्न या भोजन ही जीवों का प्राण है, वो मिलेगा तो जीवन चलेगा और सब दुखियों का मैं आश्रय हूं, तो अब ये दुखी है, हम दुखी हैं, आपके क्षण में आए हैं, आप अपने वचन का पालन कीजिए। अगर इसके ऊपर कृपा नहीं भी करना चाहते हैं तो हम तो आपकी सेविकाएं हैं, हमारे ऊपर तो कृपा करो, हम स्त्रियां हैं, हमारी दुर्दशा है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो अधीन हैं। वो अपनी दुखदाई और आश्रित स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसके जीवन को अब आप रहने दीजिए, मारिए मत, परंतु साधु का एक अर्थ और निकालते हैं, इसका इसको मारिए मत, परंतु अब ये कोई अपराध नहीं करे साधु बन जाए, इसलिए इसके इसको जीवित छोड़ दीजिए। परदयितम, परदयितम का अर्थ है हमें दे दिए, प्रदान कर दीजिए, और दूसरा अर्थ है अब ऐसी स्थिति कीजिए कि इसके ऊपर कोई जख्म भी न बचे और ये आपका किसी के प्रति अब अपराध भी नहीं करे। अब ये श्लोक है जो पढ़ रहे थे हम पहले, मानो भगवान कहे क्यों करूं आपके ऊपर दया, तो कहती है विदेही किंकरीणाम, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, पर आपकी आज्ञा का पालन श्रद्धा से करने से भय से सब मुक्त हो जाते हैं, आप कृपा करके हमको आज्ञा दीजिए। और ये नागपत्नियों की शरणागति की सूचना है। तो भगवान कहते ठीक है, लो अपने पति को, मैं हमको वापस दे रहा हूं और मैं आदेश देता हूं इसका आप पालन करो। वो कहते जी हाँ, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए विदेही। तो भगवान आदेश आगे चल के कालिया को देंगे। ये गोस्वामी पाल लिखते हैं जो आपकी आज्ञा से कार्य किया जाए वो उचित है, आप हमें आदेश दीजिए विदेही, हम आपकी सेविकाएं हैं, आप हमें निर्देश कीजिए, आज्ञा कीजिए। आपकी आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक जो भी करता है, देखिए भगवान का आदेश हम शिव के लिए भगवत गीता में है, और श्रद्धा पूर्वक अगर उसका पालन करेंगे तो निश्चित से हमारा जीवन भी निर्भय हो जाएगा और संसार के अंदर रहते हुए भी सुखी सदा ही सेवा में रह सकते हैं। तो विश्वास से श्रद्धा पूर्वक भगवान के आदेश का पालन करने वाले निर्भय हो जाते हैं, और जो श्रद्धा से किया जाता है वो अपने आप में निर्भयता प्रदान करता है। वही का अर्थ ये बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रों में वर्णित है
वो हर एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है और हर एक प्राणी के भय से भी मुक्त हो सकता है। और भय से मुक्त का दूसरा अर्थ है भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, वहां तो भय होता नहीं है। यहाँ नाग पत्नियों की प्रार्थना पूर्ण आहुति भी पहुंचते हैं। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, इत्थम स नाग पत्नी भी भगवान सम अभिष्टुतः मूर्छितं भगन शिरसं विससर जांग्रही कुटनई। सुखदेव गोस्वामी ने इत्थम स नाग पत्नी भी, इस प्रकार जब नाग पत्नियों ने भगवान का पूर्ण रूप से स्तुति की, संभ स्तुति, पूर्ण स्तुति की, बड़ी श्रद्धा से की, उस समय मूर्छितम भगन सिरसम, उस समय कालिया नाग के सारे सर टूट चुके थे, विश्व सर ज अंग ही कुट नहीं, उसके सर चूर चूर हो चुके थे। भगवान ने विश्वसर्ज का मतलब ने भगवान एकदम उससे कूद के नीचे उतरे, उसको छोड़ दिया। विश्वसर्ज का मतलब उसके ऊपर अब नृत्य नहीं कर रहे हैं, वहां से उतर के नीचे खड़े हो गए। अंगर ही कुटन ही, अपने चरण कमलों से जो उनके फनों के ऊपर नाच नाच कर कूट रहे थे था तई, वो करना भगवान ने बंद कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नाग पत्नियों के प्रार्थनाओं को और जो उन्होंने भगवान की महिमा गाई, प्रेज किया, उसको भगवान ने सुना और कालिया नाग को छोड़ दिया जो मूर्छित हो चुका था, और उसके सारे फन जो मुख्य 99 बड़े बड़े फन थे और छोटे छोटे कई थे वो सारे चूर चूर हो चुके थे भगवान के चरण कमलों के प्रहार से। श्री प्रभुपाद जी के तो शिष्य लिखते हैं कि विष्णु चक्रवर्ती प्रभुपाद के शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय कर लिया और तत्काल कालिया के फनों से कूद कर नीचे कालिया और कालिया के पत्नी के सामने खड़े हो गए, और ये कालिया का उद्धार किया तो भगवान 5-5.5 वर्ष के होंगे, कोई ग्वाल बाल गोपाल के रूप में थे और एक ग्वाले के रूप में वहां खड़े हैं वृंदावन में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अब दंडित करना छोड़ दिया, क्योंकि वो अब वो कमजोर भी हो गया था, भगवान के चरणों के प्रहार से उसके सारे फन घायल हो गए थे और भगवान उतर के उनके सामने खड़े हो गए। सह का अर्थ है भगवान नाग पत्नियों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, अथवा इसका अर्थ है भगवान जो वृंदावन में स्वतंत्र श्रोमणि है, जो दूसरों के दुख को देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया क्योंकि उनके पत्नी को दुख को नहीं देख सकते थे और कालिया मूर्छित हो चुका था भगवान के चरणों के प्रहार से। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कोई कारण भगवान के पास उनकी प्रार्थना का कारण था कि वो कालिया को छोड़ दें। एक बात और भी लगती है कि कालिया ने अपने ईर्ष्या वाले क्रोधी स्वभाव को भी त्याग दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर जब असुर जितने भी भगवान ने वृंदावन में मारे हैं उनका किसी दोष से तुलना दी है तो कालिया नाग को ईर्ष्यालु क्रोधी द्वेषी जो हमारे अंदर ऐसे दोष होते हैं उनको भगवान धो के साफ करते हैं, तो कालिया के सारे दोषों को भगवान ने पूर्ण रूप से धो लिया। भगवान ने अति कृपा की कालिया के ऊपर,
कि उनको दोषों से मुक्त कर दिया। एक और भी इसका अर्थ है, विश्व सनातनपाद लिखते हैं, भगवान तो बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा था कालिये के फनों के ऊपर, और आप ये जानती हैं सब के ये समाचार क्षतिग्राम में तब नंद बाबा वालों के सारे जो नगर बसा हुआ था, जहाँ आजकल क्षतिग्राम है, जहाँ से आप हाईवे से वृंदावन में मुड़ते हैं, वहाँ ये पूरे क्षेत्र में भगवान गोकुल से जमुना पार करें, भगवान जब 3.5 साल के हो गए थे तब वो सब वहाँ से पलायन करके यहाँ आ गए थे। तो यहाँ जब यहाँ कालियादह, तो आपने देखा है कालियादह अपने कृष्ण बलराम मंदिर से पीछे गौशाला, और गौशाला से कोई 100-150 मीटर के आगे मदन मोहन मंदिर, जो बड़ा पहला मंदिर जमुना के किनारे है, इन दोनों के बीच में, मदन मोहन और हमारी गौशाला के बीच में ये काली हर्द है। वहाँ अब भी चिन्ह के रूप में वो कदम का वृक्ष है, जिसके ऊपर से भगवान काली देह में जो जमुना से जुड़ा हुआ एक पानी का बहुत बड़ा तालाब था, जो जमुना से जुड़ा हुआ था, उसको हर्द कहते हैं। और वो पेड़ जिसके ऊपर इंद्र का बेटा अमृत का कलश लेके बैठा था, इसलिए वो पेड़ प्रकार एक प्रकार से अमर हो गया है, और वो जगह अभी भी परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ भगवान कालिया हर्द में थे, निश्चित रूप से अपनी गौशाला से लेके मदन मोहन तक जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ सारे ग्वाल बाल गोप गोपियाँ ये सब बाहर खड़े और बहुत और कालिये के बलों में कृष्ण को देख के बहुत उनको दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, भगवान ये देखने के नहीं सह सके। तो कालिया के जो भगवान को उसने लपेट के रखा था अपने बलों में, वहां से निकल के उसके फानों के ऊपर नाचने लगे। तब ग्वाल बाल तो बड़े आनंद से थई कह ऊपर से आकाश में आके कि भगवान इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, देवताओं ने कहा फिर हमारे मृदंग ढोल कब बजेंगे, चलो हम भी बजाते हैं भगवान के इस नृत्य में, हम भी आनंद लेके भाग लेते हैं। और भगवान के ग्वाल बाल तो कह रहे थे दे मारो हाँ इसको, और गोपियों की ओर भगवान तिरछी चितवन से देख के कह रहे थे देखो यहाँ मैं कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहा हूँ, जहाँ यहाँ कोई भी नृत्य करने के लिए स्टेज बना हुआ नहीं है, समतल जमीन भी नहीं है, परंतु फिर भी मेरे नृत्य की कला को देखो, तो भविष्य में आपके साथ भी रासलीला का नृत्य करेंगे, तब कितना आनंद होगा। तो ये सब भगवान सबको इस लीला से एक प्रकार का सभी अपने सारे कार्यों को भूल के केवल कृष्ण में तलीन हो गए, और अद्भुत अलग अलग प्रकार के सबके हृदय में भाव है। नंद बाबा कहते हैं हम जी के क्या करेंगे, मैं पानी में जा रहा हूँ, यशोदा के पानी में कूदने को तैयार थी, बलराम जी सबको रोक रहे थे, कह रहे थे मैं जानता हूँ कृष्ण कौन है और क्या कर सकता है, कालिया उसका क्या बिगाड़ेगा, और बलराम जी तो आए ही नहीं थे, आए क्योंकि अगर शेष नाग बलराम साक्षात वहाँ रहेंगे अनंत शेष, तो कहाँ से ये कालिया उसके सामने आएगा कैसे। और ऐसे बलराम जी ने कहा कृष्ण को कि तुम्हें ऐसे सांप से लड़ने की, मैं बैठा हूँ तुम्हारे को खेलना है तो मेरे साथ खोलो, ऐसे तुच्छ सांप के साथ काय के लिए लीला कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे भाव हैं। तो एक है कि भगवान आनंद पूर्वक कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, अब बोलता सर के ऊपर क्यों कर रहे थे, बोला सारी बदमाशी सर के अंदर होती है लोगों के, जो लोगों के अंदर सोच होती है खराब वो सर में होती है, अहंकार होता है सर में होता है, क्रोध है सर से आता है, तो सर ही उनके दुर्गुणों का, उनके बुरी आदतों का जगह है सर, और जब उसको
भगवान ने तोड़ दिया इसका अर्थ, उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या, उसका क्रोध, उसका मद, उसको भगवान ने चूर चूर कर दिया। मूर्छितम का एक अर्थ है अब वो इन दोषों से मुक्त होके स्थिर हो गए, और दूसरा है कि वो आनंद से मूर्छित हो गए। अरे भगवान के चरण का स्पर्श हो और आनंद ना आए, थोड़ी देर के लिए योगी ध्यान में भगवान के चरण के नख की रोशनी देखते हैं तो आनंद में विभोर हो जाते हैं, और यहाँ तो साक्षात भगवान के दोनों चरण कमल कालिया के फणों के ऊपर बार बार इधर से उधर नृत्य कर रहे थे। भगवान तो तुम आनंद में मूर्छित हो गया, उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति, उसके अंदर भाव प्रकट हो गया। भगवान का दयालु स्वभाव है और उनका दुख, उनकी पत्नियों का दुख और नहीं देख सके और उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट हो गए। भगवान का अवतार ही संसार में विशेष प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है, और नारियों के ऊपर भगवान ने विशेष कृपा की है। ये तो पहले स्कंद में उत्तरा की प्रार्थना से, द्रौपदी की प्रार्थना से, कुंती की प्रार्थना से प्रसिद्ध है कि भगवान ऐसे भक्त भक्तन देवियों का प्रार्थनाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। अब क्या कालिया को प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालिया संकई हरिम कृच्छ्रात समुच्छस्वन दीन कृष्णम प्राह कृतांजलि। प्रति का मतलब दोबारा, जैसे उसको लभ्य इंद्रिय प्राण, जैसे उनके इंद्रियों में फिर कुछ शक्ति आई, प्राण आया, इसका मतलब वो जैसे वापस सचेत हुआ। कालिया शंकई हरिम, जो कालिया नाग है, शंकई का मतलब आस्ते आस्ते फिर वापस सचेत होने लगा, और हरी हरी का मतलब जैसे भगवान हर लेते हैं, अब कालिये के सारे दोष तो भगवान ने हर लिए और बुरा व्यवहार सारा हर लिया, तो हरी के दोष हरने के उपरांत धीरे धीरे कालिया को पुनः सचेत होने लगा, कालिया पुनः सचेत होने लगा। खृच्छ्रात, लेकिन बहुत पीड़ा में था, समुच्छस्वन और बड़ा बड़ा लंबा सांस ले रहा था, हाय 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 जैसे करते हैं, और दीन हो गया था। दीन का मतलब अब उसकी स्थिति जो है वो अपने आप को बहुत पतित मान रहा था, दीन मान रहा था, हीन मान रहा था। कृष्णम प्राह कृतांजलेरा, अब कृतांजलि का मतलब है हाथ जोड़कर, अब हाथ तो होते नहीं है सांप के, और एक विनीत भाव से कृष्ण को कुछ कहने लगे। तो धीरे धीरे कालिया का प्राण वापस आने लगा, उसकी इंद्रियां पुनः मूर्छा से बाहर निकल के सचेत होने लगी, और भारी सांस जोर जोर से लेते हुए पीड़ा से दीन कालिया भगवान श्री कृष्ण को निम्र भाव से, निम्रता से प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे। सारा शरीर कालिये का पीड़ा से पीड़ित था, बहुत दर्द हो रहा था। कालिया ने बड़े कष्ट से हाथ जोड़े कृतांजलि, परंतु वो अपनी पत्नियों की तरह प्रणाम नहीं कर पाए धरती पे, क्योंकि इतना उसमें साहस नहीं था दर्द के कारण। किसको बोल रहे हैं? बोला हरि को बोल रहे थे, जिन्होंने उनके अहंकार को चूर चूर किया, उनके दोषों का निवारण किया। कौन है वो हरि? बोला कृष्ण को, क्योंकि वही स्वयं भगवान है। वो बहुत दुखी था, दीन था, क्यों? क्योंकि बहुत उसको पीड़ा हो रही थी, दर्द था,
और ये भी उसका दर्द था कि उसका अहंकार चला गया था, अहंकार चकनाचूर हो गया, उसकी हेकड़ी सब खत्म हो गई, उसकी ईर्ष्या और क्रोध अब समाप्त हो गया। ये विशेष भगवान को प्रार्थना करने के लिए प्रयास कर रहा था। अपने दोष के लिए भगवान को निम्रता पूर्वक भगवान का शरण लेके उसके ऊपर आश्रित होकर कहने लगा, तो दयालु कृपालु भगवान ने काली के दोषों का निवारण किया और कालिया पुनः उचित शब्दों से भगवान की प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ। कालिया कह रहा है, ये चार श्लोक कालिया के हैं। कालिया वाचा वयम खलाह सहत्पत्या वयम खलाह सहोत्पत्या तमसा दीर्घ मन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यदसद्ग्रह। कालिया कहता है वयम खल, हम तो बदमाश हैं ही, हम खल हैं, ईर्ष्यालु हैं। कहां से? बोला सह उत्पत्ति, जन्म से हमारे को जो जूनी मिली है सर्प की, ये है ही खल जूनी। हम अज्ञानी हैं, तमसा दीर्घ मन्यु है, बहुत समय तक क्रोध करते हैं और अपना वेर लेते हैं। स्वभाव, ये हमारा जो स्वभाव है, दुस्ते जो नाथ, हे नाथ इसको छोड़ना मुश्किल है, हम अपने आप नहीं छोड़ सकते। आप नाथ हो, आप छुड़ाओ तो छुड़ा सकते हो, हम अपने आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने तो पैदा नहीं किया, हमको आपने पैदा किया, हमारे कर्म थे, लेकिन शरीर तो आपने दिया, तो आप जानते हैं कि शरीर में ये दोष हैं, इसको हम अपने आप नहीं छोड़ सकते, आप नाथ हैं, कृपा कीजिए। लोकानाम कहते हैं जो सामान्य लोग होते हैं, यद असद ग्रह, जिन्होंने असद को ग्रह, असद कहते हैं शरीर को, जिसने शरीर को मैं मान लिया है और शरीर के संबंध को सब कुछ समझते हैं और शरीर के इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन समझते हैं, उनसे उनके स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। तो कालिया सर्प कहने लगा, जन्म से ही हमारी जाति जो सर्पों की है वो ईर्ष्यालु है, वो अज्ञानी है और वो क्रोधी है, निरंतर क्रोध में रहते हैं। और हे नाथ, ये बहुत स्वभाव जो हमारा है इसका त्यागना बहुत कठिन है, और ऐसे हम नहीं, सभी जो शरीरों को अपना मानने की मूर्खता करते हैं, जो असत को ग्रह करके बैठ जाते हैं, जिनको ये असत का ग्रह लग जाता है, उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है अपने स्वभाव को। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने ये उल्लेख किया है, जिसको प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, कालिया अपनी स्वयं की कोई विशेष प्रार्थना कहने में समर्थ नहीं था, क्योंकि उसका शरीर बहुत पीड़ा में था। उसने अपनी पत्नियों से जो वो कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी, उसको जो टूटा फूटा सुना, उन्हीं शब्दों को जोड़कर और उन्हीं से कृष्ण को प्रार्थना कर रहा है। तो असद ग्रह का अर्थ है जो सदा रहने वाली चीजें नहीं है उसको पकड़ के रखना, जैसे हमारा शरीर और अन्य शरीर जिनसे हमारा संबंध है, और भौतिक इंद्रियों के भोग की सारी सामग्री, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो भी है, असत है जिसका सदा रहने का संभावना नहीं है, उनको पकड़ के रखा हुआ। और जो ऐसे असत में आसक्त रहेगा
वो सदा ही निराश रहेगा, हताश रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। और कालिये को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। कालिये कहता बड़े बड़े विद्वान भी राग द्वेष से तो फंस ही जाते हैं, तो फिर जो मैंने गलत किया इसमें मेरा क्या दोष था, ये तो मेरे शरीर के साथ मुझे स्वभाव मिला था, मैं क्या कर सकता हूं। कृष्ण कालिया चार श्लोक प्रार्थना के कर रहे हैं। इस श्लोक में सह उत्पत्ति का अर्थ है जो जाति है, सांप की जाति जो है, नाग जाति जो है, इसका मतलब एक स्पीसीज जो है 84 लाख जूनियों में जो नाग जूनी है, सांप सर्प जूनी है, वो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है। और नाथ कहने का अर्थ ऐसे स्वभाव को भगवान आप ही मिटा सकते हैं, हम अपने आप नहीं मिटा सकते हैं, स्वतंत्र नहीं मिटा सकते, आपकी सहायता से ये संभव है। त्वया सृष्टम इदं विश्वं धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्य ओजो योनि बीज शक्ति बीजाशया कृति। भगवान त्वया सृष्टम इदं विश्वं, ये सारा विश्व तो आपने बनाया है। भगवान कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। बोला ब्रह्मा जी ने तो जूनिया बनाई, परंतु ब्रह्मा जी को तो आपने बनाया है, तो आदि सृष्टा तो आप ही हैं। त्वया सृष्टम इदम विश्वम, इस जगत का सृष्टि आपने किया है भगवान। धातर गुण विसर्जनम, धातर का मतलब सृष्टि करने वाला, आप हैं सबको देने वाले शरीर, क्या अपने कर्मों से शरीर देने वाले धाता आप हो। वैसे विधाता भगवान को कहते हैं, पर भगवान तो सॉरी विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, आप तो ब्रह्मा के भी स्वामी हो। गुण विसर्जनम, और ये शरीर जो देते हैं ये नाना प्रकार के गुणों के कारण होते हैं, जिसके ऊपर जिस गुण का प्रभाव उसको वैसा शरीर मिलता है। ये भगवद गीता में लिखा है सद असद योनिषु गुण संगो, गुणों के संग से जीव को उत्तम ऊंच नीच जूनियां मिलती हैं। सतोगुण के व्यक्ति स्वर्गलोक में देवता की जूनी को प्राप्त करते हैं, रजोगुण वाले धरती के ऊपर मानव शरीर को प्राप्त करते हैं, तमोगुण वाले नीच जूनियों में जाते हैं। तो गुणों के कारण हरेक के अपने कर्मों से गुणों से इनको आप देते हैं। ये नाना प्रकार की सृष्टि 84 लाख की आपके द्वारा की हुई है, स्वभाव भी उनका अपना अपना है, और उनके अंदर जो वीर्य है शरीर में, जो इंद्रियों में तेज है, हाँ जो बल है शरीर में, ओज है योनि, नाना स्वभाव वीर्य ओज सो योनि बीज, योनि का मतलब उसकी माता कौन होगी, बीज का मतलब उसका पिता कौन होगा, और उसकी क्या उसकी मानसिकता होगी और कैसा उसका रूप होगा, आकृति, आकृति का मतलब उसका रूप। तो हरेक की आकृति, उसका स्वभाव, उसका पिता, उसकी माता, उसके इंद्रियों का और शरीर का बल और शक्ति और उसका स्वभाव, ये अलग प्रकार के सब 84 लाख जोनियों को देने वाले तो भगवान आप हो ना। हे परम सृष्टि कर्ता, आपने ही तो विश्व की सृष्टि की है, जिसमें नाना प्रकार के प्रकृति के गुणों के प्रभाव से नाना प्रकार की योनियों को आपने ही तो सृजित किया है, उनके इंद्रियों का बल, उनके शरीर का बल, उनके माता, उनके पिता, उनके मानसिकता और उनके रूपों को आकृति देने वाला भी तो आप हैं। मध्वाचार्य श्लोक के ऊपर लिखते हैं नारद पुराण से कि ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्यगर्भ, वो तो दूसरी सृष्टि करते हैं, परंतु प्रथम सृष्टि कर्ता भगवान विष्णु है,
ब्रह्मा तो चतुर्मुख उनका आज्ञाकारी है और आप तो विष्णु के भी उद्गम स्थान हो। ये नाना प्रकार की सृष्टि क्यों होती है अलग अलग? बोला गुणों के कारण, जैसा गुण का प्रभाव वैसा उनका जन्म और उनका फिर स्वभाव अलग है, उनकी शक्ति अलग है। तो शब्दों का अर्थ ऐसे है, स्वभाव का अर्थ है जैसे कोई शांत है, कोई क्रोधी है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई लोभी है, ये उनका स्वभाव है। वीर्य का अर्थ है शरीर का बल और ओज का अर्थ है इंद्रियों की शक्ति। देखो इंद्रियों की शक्ति की बात करते हैं कि दूर तक देखने के लिए वो जो आकाश में उड़ने वाले ये जो चील होते हैं उनकी दृष्टि बहुत दूर जाती है, तो इंद्रियों का बल उनको हमसे ज्यादा है। सूंघने का बल कुत्ते आदि को हमसे ज्यादा है, तो इंद्रियों का बल किसी में इंद्रियों का बल ज्यादा है, किसी में शरीर का बल ज्यादा है। भाई भारी भरकम हाथी में शरीर का बल ज्यादा है और इंद्रियों का किसी में बल ज्यादा है। और योनि का मतलब माता, बीज का मतलब पिता, आशय का अर्थ है इच्छाएं, जिसकी कौन कौन सी इच्छाएं होंगी, क्या क्या चाहेगा, और आकृति का अर्थ है उसका रूप। आगे कालिया कह रहा है वयम च तत्र भगवान सर्पा जाति और मन्यवः कथम त्यजाम स्तम मायाम दुस्तजाम मोहिता स्वयं। कालिया कहते हैं हम भगवान सर्प योनि में आए हैं और ये बड़ी ईर्ष्यालु और क्रोधी है, निरंतर क्रोध में रहती है, हमारी जाति ऐसी है। कथम तेजम स्वम मायाम, और आप कहते हैं हम ये स्वभाव कैसे छोड़े, ये तो आपकी माया है। माया का मतलब आपकी प्रकृति ने ये शरीर दिया है और इस माया में हम मोहित हैं। जिस शरीर में एक बार आ गए उसी शरीर के आधार पर चलना पड़ेगा, अब दूसरा कोई शरीर हमको नहीं मिल सकता है। दुष्ट जैन ये छोड़ना बहुत मुश्किल है स्वभाव, हम आपकी माया से मोहित हैं, कैसे छोड़ें? अपने आप हम नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ा सकते हैं। हम अपने प्रहलाद महाराज ने कहा कोई अपने आप भगवान की सेवा भी नहीं कर सकता है, दूसरे के कहने से भी नहीं कर सकता है जब तक भगवान कृपा न करे। ऐसे बुराई भी हम अपने आप नहीं छोड़ सकते हैं, अगर हमारी इच्छा छोड़ने की होगी और भगवान कृपा करेगा तभी छूटने की संभावना है। सारी जोनियों में जो भौतिक जगत में आपने बनाई है भगवान, उनमें से सर्प जोमी जो है वो निरंतर ही क्रोध में रहती है, निरंतर क्रोध में, वो तो थुथकारते ही रहते हैं। और ऐसे आपकी माया के कारण हमारा स्वभाव ही ऐसा है, तो इस माया के प्रभाव को हम अपने आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। यहां कालिया अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कृपा के लिए याचना कर रहे हैं और वो माया से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि उससे कारण दुखी हो रहे हैं। केवल भगवान की शरण लेने से और उनकी कृपा से कोई भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। कालिया कहता है मैं अपने स्वभाव से क्रोधी हूं, ये मेरी जाति है, तो मेरे लिए अपने आप ये छोड़ना मुश्किल है और ये आपकी माया है जिसको कोई अपने बल से उससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। हे परम भगवान, अब मैं सांप बना हूं तो अपने कर्मों के कारण बना हूं, लेकिन मेरा अकेले का कर्म नहीं है, कर्म हम करते हैं, योनि आप देते हैं, देव नेत्रेण आपका इसमें हाथ है, क्योंकि कर्मों के स्वामी तो आप हैं, फल देने वाले भी तो आप हैं ना, तो अकेले मेरा ये दोष नहीं है, इसलिए मैंने आपके प्रति ये अपराध नहीं किया है। तो बिना आपके कृपा के और बिना आपके इंटरवेंशन के आप इसके अंदर अगर हाथ नहीं डालेंगे तो हम अपने आप इस दोष को नहीं छोड़ सकते।
केवल कर्म कारण है, ये बात सत्य नहीं है। केवल कर्म कारण है, ये कर्मवाद सत्य नहीं है। और कर्म आपके अधीन है, आप कर्म के स्वामी हैं, परंतु भगवान आप तो स्वतंत्र हैं, सारे कर्म आपके ऊपर निर्भर हैं। आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। हम जैसे नीच जाति वाले अपने आप अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं? हम माया से अपने आप को कैसे छुड़ा सकते हैं? हम अपने क्रोध को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो अपनी माप की माया ने हमारे को ऐसा बना रखा है। हम अपने आप नहीं कर सकते हैं स्वयं। अगर आप कहें कि आप छोड़ दो, तो हम छोड़ना चाहें छोड़ें, परंतु ये आपकी माया हमको छोड़ने नहीं देती। तो भगवान कहते हैं मेरी माया से छूटना है तो मेरा शरण ले लो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। तो हम आपकी माया से मोहित हैं, बोल तो इसका एक ही इलाज है कि आप मेरा शरण ले लो। अब कालिया कह रहे हैं भवान ही कारणम तत्र, आप ही कारण हो भगवान, सर्वज्ञ जगत ईश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं, आप जगत के ईश्वर हैं। अनुग्रहम निग्रहम वा, अब आपकी इच्छा है, मारो या तारो, अनुग्रह करो या निग्रह करो। निग्रह करने का मतलब दंडित करो, अनुग्रह का मतलब क्षमा करो और कृपा करो। मन से तद विदेही ना, जो आदेश करेंगे उसका मैं पालन करूंगा, मैं जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन इसका दोष मेरे ऊपर नहीं है, कारण आप हो, क्योंकि सृष्टि तो आप करते हो, ऐसा तर्क दिया है कालिया ने। क्योंकि भगवान आप सर्वज्ञ हैं, जगत में जो कुछ हो रहा है सब जानते हैं, और आप ही बंधन और मुक्ति के कारण है, आप ही अनुग्रह और निग्रह के कारण है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, मुक्त भी आप कर सकते हैं, मोह में भी आप डाल सकते हैं, आप सर्व स्वतंत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अब चाहे तो दंड दें और चाहे तो कृपा करें। अब आपकी जो इच्छा है हमने आपके छोड़ दिया, आप आज्ञा कीजिए। जीव गोस्वामी लिखते हैं मैं अपने आप, कालिया कहते हैं हम अपने आप इस हमारे स्वरूपगत दोष को, स्वभावगत दोष को नहीं छोड़ सकते, कुछ आप कुछ कीजिए भगवान, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो कर सकते हैं। मेरे इस दुष्ट स्वभाव को आप ही छुड़ा सकते हैं, जैसे आपको चाहिए ऐसे आप कीजिए। आप माया की शक्ति को भी जानते हैं और मेरे दुखदाई इस देह को देख रहे हैं जिसके अंदर सब दोष हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा कीजिए, आप परम स्वतंत्र हैं, जगत के ईश्वर हैं। अब आप मुझे दंड भी दे सकते हैं, यथा अहम भवता सृष्टो तात्यः रूपेण चेश्वर स्वभावेन च साधुत्वं तथेदं चेष्टितं मया। आपने इस जूनी में मेरे को जन्म दिया है और ये रूप, ये आपने मेरे को कालिये का रूप दिया है और उसके अनुरूप ही तो मैं कार्य कर रहा हूं, ये विष्णु पुराण में लिखा है। आप सर्वज्ञ हैं, कृपा किसके ऊपर होनी है, किसको दंड देना है, आप सब जानते हैं। जो दोनों में चाहिए आप कीजिए, आप जगत ईश्वर हैं, आपका दंड भी कृपा है। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्री शुक वाच इति आकरण्य वच प्राह भगवान कार्य मानुष मात्रः स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहि माचरम स्वजात्यः पत्यः
दारार्यो गो नरभेर भुज्यते नदी। इति आकरणीय वचः पारथ पार प्राह कालिया के ये वचन भगवान ने सुने। भगवान कार्य मानुषः, भगवान जो एक सामान्य छोटे बालक के रूप में खड़े थे। न अत्र स्थेयम् त्वया सर्प, आदेश दे रहे हैं हे कालिया तुम यहां मत रहो। समुद्रम याहि माचरम, यहां से समुद्र में चले जाओ। और मा चिरम, देर मत करो, तत्काल चले जाओ समुद्र में। स्वज्ञात्य अपत्य दारार्यो, इसका अर्थ है तुम भी अपने सारे जाति वालों के साथ, अपत्य अपने बच्चों के साथ, दारा अपनी पत्नी के साथ, आर्य सबको साथ लेके अच्छी तरह से पूरे परिवार के साथ यहां से जाओ। और फिर क्या लिखा है, गो निर्भीर भुज्यते नदी, हमारी गैया यहां पानी पीते हैं और यहां ये हमारे ग्वाल बाल ब्रजवासी इंसान रहते हैं, इनको अब आनंद से इस जमुना नदी का सुख लेने दो। आपने बहुत यहां उत्पाद मचाया, अब जाओ यहां से। तो ये है भगवान का आदेश, जमुना नदी को छोड़ो और समुद्र में अपने परिवार के साथ जाओ। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। कालिया के प्रार्थना के वचनों को सुनकर भगवान ने, जो एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में वहां लीला कर रहे थे, कहा सर्प अधिक समय यहां मत जा रहो, समुद्र में अपने सारे परिवार पुत्र पत्नियों के साथ चले जाओ और इस यमुना को गायों और ब्रजवासियों को आनंद के लिए त्याग दो। बड़े बड़े देवताओं के लिए कालिया को दंड देना मुश्किल था, शंकर और ब्रह्मा के लिए, परंतु छोटे बालक भगवान श्री गोपाल ने कालिया को मानव रूप में ही कार्य मानुष। अब भगवान ने हाथ में शंख चक्र नहीं लिया था, बस सामान्य ग्वाल बाल के रूप में ही ये लीला कर ली। मधुर ये भगवान की लीला है। तो कार्य मनुष्य के ऊपर बहुत भाव लिखा है। और फिर उसके बाद अनुशासनम कीर्तयन उभयो हो संदयो न युष्मद भयम आपुन्याद। कोई भी सभ्य व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति मेरे इस आज्ञा को जो मैंने आपको दिया है इसको याद करेगा, वृंदावन छोड़ के आप समुद्र में जाएंगे और इसको सुबह सूर्य उगने से सूर्य अस्त तक जो सुनाएगा उसको कभी भी मुझसे भय नहीं होगा। वो भय से ये श्रुति फल है। मेरे द्वारा आपके फनों के ऊपर मेरे चरणों से जो आपको दंडित किया, ये जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक ये गाथा लोग गाएंगे। उखारिया ने कहा वहां तो मेरे को डर है, कहीं मेरे को गरुड़ आके खा न ले, मैं तो गरुड़ के भय से यहाँ आया था। तो भगवान कहेंगे अब चिंता मत करो, तेरे सर के ऊपर मेरे चरणों के निशान है, ये ऐसा टप्पा लगा हुआ है, इसको गरुड़ देखेगा तुम्हारे को दूर से प्रणाम करेगा, वैष्णव मान लेगा, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं अहित करेगा, तुम निश्चिंत होके वहां चले जाओ। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, और जो इस लीला को सूर्य अस्त से सूर्य उगने से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक सुनेगा उसको सांप के काटने का भय नहीं रहेगा।
एक और ऋग्वेद में भी मंत्र है, या ओना हृदय सोवतो यो नारायण वन यदि कल की दंतस्य यदि कलिकद भयम जन्म भूमि परिक्रमतो निरवशो यति कलिका। ये ऋग्वेद का मंत्र है, उसका अर्थ है कि कालिया हर्द में भगवान के इस लीला का जो स्मरण करेगा उसको सांप के डसने का भय से मुक्त हो जाएगा। भय से मुक्त हो जाएगा। कहते साठवें मंत्र के आखिरी दो लाइनें और ये मंत्र, जो पढ़ेगा सांप के भय से सदा मुक्त रहेगा। और ऋग्वेद में भी ऐसा मंत्र है, उसका अर्थ है वो भगवान जो काली हर्द में प्रकट हुए थे यमुना में, जिसको कालिये जैसे सांपों का भय हो या उन कालिये के सेवकों का, कालिया वो जगह छोड़ के चला गया और विष भी वहां से समाप्त हो गया। यो अस्मिन् स्नात्वा मद आकीर्णे देवाधींस तरप्येज जलैः उपोजस्य मां स्मरम् आर्चेत सर्व पापैः परमुच्यते। और कोई इस जगह पे स्नान करेगा जहां मैंने ये लीला किए, और यहां स्नान करके जो पूजनियों को जल अर्पण करेगा, पितरों को या देवताओं आदि को, और यहां कोई व्रत रखेगा और मेरा स्मरण करेगा, वो निश्चित रूप से सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ये श्रुति फल है। द्वैपम ब्रह्मणक्यम हित्वा हृदमे तन्नुपाश्रिता यद भयात सा सुप्रणस्त्वाम नाद्यान मतपाद लांचितम। आपने रमणीक दीव को छोड़ा था, इस हर्द में आए थे उस गरुड़ के भय से, सुप्रणा का मतलब भयात, सुप्रणा मतलब उस गरुड़ के भय से, अब मेरे चरणों के निशान है इसलिए आपका गरुड़ कुछ नहीं करेगा, चले। ये फिजी में कालिया वहां रहता का, इसके पूर्व जन्म की कथा अलग लिखी हुई है। गरुड़ के भय से आप रमणीक दीप को छोड़कर यहां कालिया हर्द में आए थे, यमुना से जुड़े हुए, अब आपके चरणों के ऊपर, आपके सर के ऊपर मेरे चरणों के निशान है, गरुड़ आपसे अब शत्रुता नहीं करेगा, आपको नहीं खाएगा, आप निश्चित होके चले जाइए। रमणीक शब्द से के कालिये को अब खुशी होके वहां जाके खोज, रमण का मतलब मौज करना, मस्ती करना, खुश रहना। वो तो एक छोटा सा द्वीप है रमणीक, वहां चले जाओ। श्री ऋषिर्वाच मुक्तो भगवता राजन कृष्णा अद्भुत कर्मणा तम पूज्यामास मुदा नागपत्याश्च सादरम। और फिर ऋषि कहते हैं, सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन कालिया को भगवान ने मुक्त कर दिया और फिर भगवान की अद्भुत लीला को सबने देखा सुना और कालिया अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक प्रणाम करके और वहां से रवाना हुआ। और रास्ते में जाते जाते कालिया ने कहीं मुड़ के देखा तो वहां जगह पे कालिया खड़ा है। ऐसे कुछ वृद्ध में बहुत सी बातें करते हैं। यहाँ हम आज की कथा को विराम देते हैं। अब दूसरी क्या कथाएं आगे हैं ये आप सुनाइए। ये अध्याय यहाँ पूरा हुआ। हरे कृष्ण।
हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है? कृष्णा, हाँ जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आठवें केंटो में जब समुद्र मंथन में जब विष निकलने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं देवता, भगवान ने कहा कि देवताओं से आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, वो हलाहल को ले सकते हैं। उसमें प्रजापति जी की प्रार्थना है उस श्लोकों में। अच्छा, उसमें ये वो जो है कि 20वां और 24वां है कि आप जो है यू क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय योर पर्सनल एनर्जी एंड यू अज्यूम द नेम्स ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वरा व्हेन यू एक्ट इन क्रिएशन मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन। एक श्लोक ये है मुझे, और एक दूसरा श्लोक है उसके आगे, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस द सेल्फ एफ्लुजेंट इनकंसीवेबल इम्पर्सनल ब्रह्म विच इज ओरिजिनली पार ब्रह्म यू मैनिफेस्ट वेरियस पोटेंशियल इन दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। उसमें परपट में लिखा हुआ है कि ये विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जो है। अब ये भगवान शिव की प्रार्थना में पार ब्रह्म और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के क्रिएटर ये इनका क्या भाव है, तो किस तरह से देखा जाएगा? हाँ, ये भगवान ने कहा कि बाकी सब देवता यहाँ हैं, महादेव नहीं है, विष वो पान करेगा, उसकी आप प्रार्थना करके बुला के आइए। और प्रार्थना जो कर रहे हैं उसमें सदाशिव जो सृष्टि करता है, भगवान शंकर का एक रूप है, क्योंकि भगवान प्रकृति को हाथ नहीं लगाते हैं, विष्णु प्रकृति को हाथ लगाने के लिए वो अपने आप को सदाशिव शंकर के रूप में परिवर्तित करते हैं, वो भगवान विष्णु से अभिन्न है, इसलिए उसकी प्रार्थना में उन शब्दों से उनका गुणगान किया गया है। और वैसे भी ये तीन अवतार जो है गुण के, ये इनमें प्रायः जो सत्ता है वो भगवान विष्णु की है, और लीला इनकी जो है जब प्रलय करनी होती है तो प्रलय काल की लीला में तो शंकर संहार का काम करते हैं, परंतु वैसे भगवान जो है शंकर को ऐसे प्रार्थना करते करते बहुत सी जगहों पे शंकर को विष्णु के समान ही प्रार्थना करते हैं, उससे अभिन्न नहीं मानते हैं। क्योंकि वो इसमें जैसे क्रिएटर क्रिएटर मेंटेनर और एनिहिलेटर, हाँ, मतलब उनका एनिहिलेशन का जो है उनका मेन, वो तो है ही उनका, लेकिन दूसरों वो उसको विष्णु के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, उसको विष्णु के भाव से प्रार्थना करें, यही तात्पर्य में लिखा होगा। तो क्या ये प्रार्थना हमारे इसमें नहीं आई थी क्या? इसमें प्रार्थना में नहीं आई थी, तो आठवें स्कंद में देख लेते हैं उसको, लेकिन मुझे याद आता है कि उसमें निश्चित रूप से शंकर जी को जब प्रार्थना वो कर रहे हैं तो बड़े आदर के प्रजापति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रजापति दक्ष आदि प्रजापति हैं, लेकिन यहाँ तो देवता हैं सारे, और प्रजा को उत्पत्ति करने वाले जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान शंकर को बड़े आदर के साथ भगवान विष्णु के समान प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अर्थ तो यही है। तात्पर्य में क्या लिखा है? तात्पर्य में ये लिखा है कि इसमें जो है लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड एज पार ब्रह्म, द वर्शिप इज मेंट फॉर लॉर्ड विष्णु। भगवान को या शंकर जी को परब्रह्म कहते हैं, इस ऐसे उनका प्रार्थना कर रहे हैं, वास्तव में परब्रह्म भगवान विष्णु है, परंतु महिमा गा रहे हैं तो उसको विष्णु के समान उसकी महिमा गा रहे हैं। और इसका वैसे भाव ये होता है कि जब जिसमें काम पड़ता है उसको ही महान कह के प्रार्थना करनी होती है, अब देवताओं को संकट आ गया था तो उसकी प्रार्थना करके उसको अधिक से अधिक महिमामय जो शब्द थे वो कह दिए, और शंकर जी पार्वती से आज्ञा लेते हैं, पार्वती कहते हैं आप समर्थ हैं, आप संसार का कल्याण कीजिए, और शंकर जी ने आके विष को पान किया और महादेव की संज्ञा उनको प्राप्त हो गई, ये तो सब ठीक है अपनी जगह पे, परंतु प्रार्थना तो कभी गुरुदेव को भी भगवान कहते हैं, और ऐसे
क्या है कि कुछ कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, जैसे गुरुदेव को कहते हैं अखंड मंडलाकार, ये ज्ञानियों की प्रार्थना है, तो ज्ञानियों का थोड़ा प्रार्थना में अंतर होता है, जिसमें वो अपने गुरु को भी कहते हैं सृष्टि भी आप करते हैं, सारा ब्रह्मांड ही आपके हाथ में है। तो ऐसे भगवान शंकर को भी उस भाव से प्रार्थना उनके और उनमें जिनका काम पड़ा है वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तात्पर्य इसलिए लिखते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि सदा के लिए वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, जब काम पड़ा तो ऐसे जरूर कहा, लेकिन वो हैं सदाशिव हैं, उनका विशेष कार्य ये है। वो वैसे भी विष्णु तत्व, वो जीव तत्व तो है नहीं, विष्णु तत्व भी नहीं है, दोनों के बीच का तत्व है, जिसमें जब सृष्टि नहीं करते हैं तो वो विष्णु का भी उनका एक अपना धाम है ऊपर, वो महेश धाम, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां उनका आध्यात्मिक जगत है, उसके ऊपर जो है, फिर हरि का धाम है उसके नीचे महेश का, उससे के नीचे जहाँ हम रहते हैं ये देवी धाम है, ये है दुर्गा का धाम जिसमें हम रहते हैं दुनिया, लेकिन महेश का धाम इससे ऊपर है। ठीक है बाबूजी, हरे कृष्ण। क्या है कि कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तब टेक्स्ट का अर्थ कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा, केवल टेक्स्ट को देखेंगे तो अर्थ नहीं निकल समझ में आएगा। थैंक यू, हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। Yeah.